हेलो फ्रेंड्स, आज हम कमर्शियल लॉ एंड बिजनेस लॉ के अंदर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। देखो, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, एक बच्चे के स्कोर के अंदर उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी डिक्लेयर्ड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी टू बी वॉइड। देखो, यहाँ पे हम केस से इसका मीनिंग समझते हैं। एक पर्सन है, वीक इंटेलिजेंसी का है, ए पर्सन है, और बी जो है उसको डोमिनेट करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेता है। अगर देखो, यहाँ पे ए की जो फ्री कंसेंट है वो मिसिंग है, और अगर ए चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है कोर्ट के अंदर जाके वॉइड ठहरा सकता है। तो ये ए के पास ऑप्शन है, बी के पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बी ने उसको मेंटली जो है प्रेशराइज किया है कि वो उसको प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है, एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, जैसे कि ए जो है जिसकी फ्री कंसेंट मिसिंग है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी बी पार्टी, क्योंकि उसी ने तो इंड्यूस किया है ए को कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होता है जब तक कि देखो ए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता, या जिसकी पार्टी की फ्री कंसेंट मिसिंग है अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो वैलिड है। बट अगर वो कोर्ट के अंदर चला जाता है तो उस अगर वो प्रूव कर देता है कि फ्री कंसेंट मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड हो जाता है। और देखो, सेकेंड जो है डैट इज रिलेटेड टू ऑफर, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। कई बार क्या होता है कि लोग इन्विटेशन टू ऑफर को भी ऑफर मान लेते हैं। देखो, जो इन्विटेशन टू ऑफर होती है ये ऑफर नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है। ऑफर का मतलब होता है कि जब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को उसकी एक्सेप्टेंस देने के लिए कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना, या जैसे एग्रीमेंट के अंदर एक पार्टी ऑफर देती है दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो ऑफर के अंदर भी क्या है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को से उसकी विलिंगनेस ऑब्टेन करने के लिए या उसको ये कहने के लिए कि ये काम नहीं करना, तो इसको हम कहते हैं ऑफर। लेकिन ऑफर जो होती है इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट होती है। देखो, जैसे ऑक्शन सेल की इन्फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है, तो अगर उस दिन हम ऑक्शन सेल पे जाते हैं, ऑक्शन सेल नहीं लगती, तो वहाँ पे हम मतलब कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ ये इनविटेशन टू ऑफर था। और उसी तरह न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आती है कि फलाने दिन जो है सेल लगेगी या फलाने दिन ऑक्शन सेल लगेगी, तो ये भी इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। और उसी तरह क्या है कि जब हम किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्राइस के टैग्स लगे हुए हैं, तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। जब हम चीज़ों को सिलेक्ट करके काउंटर पे रखते हैं तो हमने ऑफर दी है। तो उसी तरह क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है या कैजुअल इंक्वायरी की जाती है तो वो भी ऑफर नहीं होती। जैसे मैं पूछूँ इस चीज़ का क्या दाम है, और उसी तरह कोई कैटलॉग है जिसके अंदर चीज़ें भी हैं, प्राइस के साथ मेंशन है, तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। और उसी तरह जब टेंडर की एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। जब कंसर्न पार्टी जो है टेंडर सबमिट करती है तो वो ऑफर देती हैं। और उसी तरह जो है अगला क्वेश्चन जो है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। देखो, काउंटर ऑफर के अंदर क्या होता है कि जैसे ए जो है दूसरी पार्टी को ऑफर देता है और दूसरी पार्टी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करती, बट उसके साथ कुछ कंडीशंस लगा देती हैं या उसको रिजेक्ट करके अपनी कोई ऑफर देती है, तो हम इसको कह देते हैं काउंटर ऑफर है। जैसे ए जो है बी को कहता है कि मैं अपनी साइकिल तुझे सेल करना चाहता हूँ 1000 की, बट बी कहता है कि मैं 900 दूंगा, तो ये एक काउंटर ऑफर है। और उसी तरह देखो, जो क्रॉस ऑफर होती है, क्रॉस ऑफर के अंदर क्या होता है कि जैसे ए और बी दो पार्टीज हैं, ए जो है बी को कहता है कि मैंने तुझे अपनी साइकिल, उसको लेटर भेजता है कि मैंने तुझे अपनी साइकिल जो है 1000 में सेल करनी है। अब बी को नहीं पता कि ए ने उसको ऑफर भेजी है, बी उसको ऑफर भेजता है कि मैंने तेरी जो बाइसाइकिल है 1000 में परचेज करनी है, तो ये क्रॉस ऑफर होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्रॉस ऑफर होती हैं ये वैलिड नहीं होती। यहाँ पे ये नहीं होता कि एक ने ऑफर दिया दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, और उसी तरह काउंटर ऑफर भी जो होती है वैलिड ऑफर नहीं होती।
उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. देखो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो लीगली इन्फोर्सिबल होता है. और एग्रीमेंट के अंदर कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो कि उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. उन्हीं में से एक जो वैलिडिटी पॉइंट होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का अर्थ होता है कि देखो जब भी हमने किसी के साथ लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट करना है, अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो हर एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी एज जो है मेजर होना चाहिए. मेजर का मतलब है जैसे इंडिया में रहता है तो इंडिया के अंदर 18 ईयर जो है वो मेजर की एज है, ठीक है. और उसी तरह क्या है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए. और उसी तरह क्या है कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. और देखो जो पर्सन इनकॉम्पिटेंट है, एक तो माइनर जो है उसके साथ हम नहीं कर सकते, पागल के साथ हम नहीं कर सकते, और जो डिसक्वालिफाइड है लॉ के द्वारा तो उसके साथ भी हम जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट. देखो बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि चीज़ें जो है हम इस कंडीशन पे देते हैं कि जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो चीज़ें वापस कर जाएंगी. लेकिन जो बेलमेंट, जो प्लेज है, ये एक बेलमेंट की स्पेशल टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि चीज़ें दी जाती हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस. और यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर ग्रेशियस पेलमेंट है, ग्रेशियस पेलमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी को चीज़ें देते हैं लेकिन बदले में उसको कोई चार्जेस पे नहीं करते, ठीक है, तो बेली जो है उन चीज़ों को वापस करेगा जब डिमांड की जाएगी. लेकिन यहाँ पे प्लेज के अंदर देखो जब पेमेंट का जो कर्जा लिया हुआ है अगर उसकी पेमेंट होगी या प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा तभी वो चीज़ें वापस की जाएंगी. जो प्लेज है उसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं. लेकिन बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि सिर्फ कब्जा जो होता है बेली के पास होता है. और देखो बेलमेंट के अंदर जो है बेली उन चीज़ों को वो यूज़ कर सकता है एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन. लेकिन यहाँ पे प्लेज के अंदर क्या है कि वो चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता. फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. देखो सेल के अंदर क्या होता है कि इमीजिएटली सेल हो जाती है, ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है. और जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो बायर के पास इमीजिएटली चली जाती है. और जो एग्रीमेंट टू सेल होता है ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्यूचर के अंदर पास होगी. और उसी तरह क्या है कि अगर जो चीज़ें हैं अगर वो सेलर के पास पड़ी हुई हैं बट सेल हो जाती हैं, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये जो रिस्क है वो बायर का है. बट अगर चीज़ें जो है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर के पास पड़ी हुई हैं और वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो ये सेलर का लॉस है. और यहाँ पे क्या है कि देखो अगर सेलर जो है ब्रीच करता है तो सेल की सिचुएशन में वो डिलीवरी जो है बायर क्लेम कर सकता है. और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है कि बायर के पास सिर्फ एक पर्सनल रेमेडी होती है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है. और देखो अगर बायर जो है चीज़ें जो उसके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी हैं और अगर उसे प्राइस नहीं पे की तो वो प्राइस क्लेम कर सकता है. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो बायर है वो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है. और अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, चीज़ें सेलर के पास पड़ी हुई है, तो बायर अपनी चीज़ें वापस क्लेम कर सकता है. बट अगर एग्रीमेंट टू सेल है, चीज़ें जो है सेलर के पास पड़ी हुई हैं और बायर ने कैश पे कर दिया है, तो यहाँ पर वो सिर्फ रेटेबल डिविडेंड जो है क्लेम कर सकता है. उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. देखो कंडीशन का अर्थ होता है ये सेल ऑफ गुड्स के अंदर जब हम चीज़ें परचेज करते हैं और जो हमने स्टिपुलेशन लगाई है जिसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, अगर ये एसेंशियल है तो ये कंडीशन है, अगर ये कोलेटरल है तो ये वारंटी है. जैसे मैं कहूँ कि मुझे ऐसी कार चाहिए जिसकी माइलेज जो है इतनी होनी चाहिए, तो वहाँ पे देखो मैंने कंडीशन लगा दी. वारंटी के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे गुड कार, तो गुड कार का एवरेज जो माइलेज है वो भी एक हिस्सा होता है, तो वहाँ पे ये वारंटी है. देखो कंडीशन की अगर ब्रीच होती है तो वहाँ पे पार्टी जो है उसको कैंसिल कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है. लेकिन वारंटी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. और ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है अगर किसी सेल ऑफ गुड्स के अंदर जो है अगर कंडीशन की ब्रीच होती है तो वहाँ पे जो बायर है उसको वारंटी ट्रीट कर सकता है, मतलब कह सकता है कि ठीक है मैं कंपनसेशन ले लूँगा. लेकिन जो वारंटी है वहाँ पे ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है कि इसको हम ब्रीच ऑफ कंडीशन मान लें, तो वहाँ पे क्या है कि वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर सकता.